नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा खबर। सहरसा जिला रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। नवे चरण के तहत महेशी प्रखंड में 29 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी हुई पूरी। सहरसा में नवे चरण के तहत 29 नवंबर को महेशी प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं पर्यवेक्षक गृह में जिला अधिकारी कौशल कुमार ने प्रतिनियुक्त PCCP एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग कर शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सावधानी सतर्कता बरतते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बाद मतदान कर्मी EVM डिस्पैच काउंटर से EVM मशीन एवं आदि सामान लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान किया। महेशी प्रखंड में 19 पंचायत है, जिसमें कुल 259 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 29 नवंबर को महेशी प्रखंड के 19 पंचायतों के 259 बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर सावधानी सतर्कता बरतते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सब जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, कुल 162 पेट्रोलिंग पार्टी की टीम को तैनात किया गया है, ताकि मतदान केंद्रों पर कोई भी असामाजिक तत्व या मतदान केंद्र पर गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल महेशी में चुनाव होना है, क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था तैयारी की गई है? सभी प्रशासनिक व्यवस्था तैयारी की जा चुकी है। हमारे 259 केंद्र पर मतदान है और मतदान का टाइमिंग सुबह 7 से 3 बजे तक है। 162 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है और इनका ब्रीफिंग किया गया है। ये लोग जा रहे हैं और 19 मतदान केंद्र हमारे ऐसे जिनको नदी पार कर जाना पड़ेगा, उनको मॉर्निंग में भेज दिया गया है। और QRT की टीम रहेगी एक्टिव, सारे पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन एक्टिव रहेगा और हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव करवा देंगे।